हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ मैथ्स एक्सरसाइज हमारी 8.6, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, 8.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। आपको एक फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, अपॉन 100, जहाँ पे आपका यहाँ तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा इक्वल्स टू पी, हमारा क्या है 5000, रेट 8%, टाइम हमारा दे रखा है 3 ईयर्स, अपॉन 100 एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व कर लो, देखो पी फॉर प्रिंसिपल, जो अमाउंट इंटरेस्ट पे दे रखा है वो पी फॉर प्रिंसिपल, रेट आर फॉर 8%, ये रेट हो गया, पी फॉर टाइम 3 ईयर्स, ये टाइम हो गया। ओके, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, तो ऐसा इक्वल टू 5 जो 40, 43 जो 120 रुपीज़, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, इट्स और आंसर। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना था सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। व्हाट सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज़ 2025 इन 3 मंथ्स एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो इस हमें ये बताना है कि कितना अमाउंट होगा जो कि इतना हो जाए 3 मंथ्स में। ओके, लेट कर ले रहे हैं सॉल्यूशन में, हम लेट कर ले रहे हैं, लेट अमाउंट बी रुपीज़ एक्स, एक्स अमाउंट था। ओके, तो उसका व्हाट सम ऑफ द मनी, तो सम तो हम लेट सम ऑफ मनी है ना, तो सम मान लो एक्स है, और अमाउंट कितना हो गया जी, अमाउंट 2025, इतना अमाउंट हो गया। तो हम सिंपल इंटरेस्ट अगर फाइंड आउट करते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट में से इसको माइनस कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट का मतलब होता है जो पैसे उसने वापस दे दिए है ना, इतने पैसे वापस दे दिए, माइनस एक्स, तो वो आपकी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगी। ओके, सिंपल इंटरेस्ट, तो ऐसा ही इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी फॉर एक्स है ना, ये पी है ना, पी इक्वल टू एक्स। अब क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला जब पुट करेंगे तो पी के प्लेस पे तो हमें रखना है एक्स, और ऐसा ही हमने ये निकाल दिया है 2025 माइनस एक्स इक्वल टू पी, फिर से एक्स इंटू आर, 5% है। ओके, और टाइम कितना हमारे पास, टाइम है 3 मंथ्स, और ईयरली है तो 3/12, अब ये ईयर में कन्वर्ट हो गया, इंटू 100, पी आर टी अपॉन 100। ओके, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट चाहिए, एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5 3 15 15x = इट विल नाउ 1200 मल्टीप्लाई 2025 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे इसे, 15 का डिवाइड इधर आके हो जाएगा 15x इक्वल्स टू, इसके मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 2025 मल्टीप्लाई 12, तो 2 5 10 0, 2 1 2 1 2 2 4 1 5 0 2 2 4। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाई 1 5 2 0 2। ओके, नाउ विल एड 0 5 5 10 0 3 4 2, 2 4 3 0 0। ओके, 2 4 3 0 0, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आया, अब 2 0 इसके भी हमारे पास, तो 2 0 और है, इसमें ऐड कर लेंगे माइनस 15x। ओके, अब क्या करोगे, इसका x हमारे पास ही 15x है पहले से, 15x यहाँ पर 1200x। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इसको हमें केवल इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट चाहिए, तो 15x प्लस 1200x इक्वल्स टू 2 4 3 1 2 3 4। ओके, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम यहीं पे सॉल्व करा दे रहे हैं, आप देख लेना अपने आप से, डिवाइड तो करना सबको आता है, 1215x इक्वल टू
243 फोर टाइम जीरो, ओके ये अपने आप से कर लेना, ओके फोर टाइम जीरो या है? अब एक्स इक्वस टू 243 1234 अपॉन 1215, इसका जब डिवाइड देंगे तो एक्स इक्वस टू हो जाएगा ये 2000, ओके 2000 रुपीज़ ऐसे निकलेगा, क्योंकि 1215 का डिवाइड जब इसके साथ करते हो इतने के साथ तो 2 आता है और बचे 30, तो 30 आपका 2000 आपका आंसर हो जाएगा, ओके इट्स योर आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल ऑन विच द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3.5 years एट 4% अमाउंट टू ₹1026। ओके तो इसमें भी हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से हम बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, उसी लेवल का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। अमाउंट ये दे रखा है, प्रिंसिपल पता नहीं है, तो अमाउंट में से 1026 में से माइनस कर लेंगे हम प्रिंसिपल को, देन और इससे पहले लेट प्रिंसिपल बी एक्स, लेट प्रिंसिपल बी एक्स है ना, बी एक्स ऐसे लिख लेंगे, और पी इंटू आर इंटू टी, पी पता नहीं है, एक्स इंटू रेट हमारे पास दे रखा 4% पर एनम, टाइम दे रखा है 3 होल 1/2, 3 2 6 1 7, 7/2 आपका टाइम हो जाएगा इंटू 100। ओके इसको सॉल्व करेंगे अब, तो ये हो जाएगा 1026 माइनस एक्स, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 200 इक्वस टू 4 7 28 28 एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 2 6 12 2 4 1 5 0 2 2 माइनस 200x इक्वस टू 28x, इसको इधर लेके आ जाओ तो 28x प्लस 200 इक्वस टू 200x इक्वस टू 2052। ओके ये हो गया, यहाँ पे जब ऐड करोगे 228x इक्वस टू 2052, अब देन x इक्वस टू इसको सॉल्व कर लेंगे 2052 और इसके साथ हमने जब मल्टीप्लाई करा था 2052 के साथ तो 00 ये 20 ये और लिखना भूल गए थे हम, ये 20 और लिखने इसके साथ में, ओके तो 20 इसके साथ और हो जाएंगे, यहाँ पे 20 और हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 200 मतलब 2 का मल्टीप्लाई तो कर दिया हमने, 0 लगाना भूल गए, ये 00 है ना, तो 20 अपॉन यहाँ पे 2228 ओके 228 इसका हम डिवाइड दे देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका जब डिवाइड देंगे तो ये 9 टाइम कैंसिल होगा, 9 टाइम तो 2052 आ जाएगा, 20 ऑफ एक्स विल बी 900। ओके तो प्रिंसिपल ये आपका फाइंड आउट हो गया, हम ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ नहीं कर रहे, हम सिंपल आपको यही मतलब एक मेथड ऐसा बता दे रहे हैं जिससे आप अगर फॉर्मूले भी लर्न नहीं होंगे तब भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर व्हाट टाइम विल ₹4000 गिव एन इंटरेस्ट ₹500 एट 5% पर एनम, तो इसमें बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट आ गया, इसमें आपको करना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज 500 गिवन है और हमारा 4000 रुपीज़ ये प्रिंसिपल दे रखा है, डेट 5 दे रखा है, टाइम पता नहीं है, अपॉन 100 इसको सॉल्व कर लेंगे, समझ लो कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5 1 2 3 4, ओके अब यहाँ पे 4000 × 5 यहाँ पे 4000 × 5 इक्वस टू टी ये आ गया, 30 से 30 कैंसिल कर लो, 5 10 50 और 2 5 10 2 2 4 तो 5/2 इक्वस टू टी हो गया, 2 2 4 1/2 years, ओके हमारे हिसाब से ये इतना टाइम आ रहा है, आप बाकी चेक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर आंसर।